अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि फैसलाबाद वालों को तो पता चलेगा फैसलाबाद का आज का वेदर इतना औसम है, इतना मज़े का वेदर है। बारिश आई थिंक फजर टाइम हुई थी थोड़ी बहुत, और बाकी इलाकों में भी हो रही होगी। मैंने स्टेटस देखे कहीं की 4-5 बजे हो रही है, और कहीं इलाकों में जुम्मे के टाइम भी बारिश हो रही थी। वेल, मौसम ऐसा बना रहे तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। अलहमदल मैं अभी छत पर आई थी, क्यों ना मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूं, तो मैंने फिर सोचा क्यों ना छत में बैठ के किया जाए, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा हबस हो जाती है इतनी ज़्यादा, लेकिन जब आप खुली हवा में आते हैं तो आपको इतना अच्छा फील होता है कि आप सोच नहीं सकते। सो यहाँ का वेदर मैं आपको चेक करवाती हूँ। फुल काले काले बादल आए हुए हैं और मज़े का मौसम। सो मैंने सोचा कि ना छत बैठ के आप लोगों से बातें की जाए, आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर की जाए जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं अप्लाई करती हूँ। और जो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी को अगर कुछ चीज़ बता रहे हो या समझा रहे हो या कुछ दे रहे हो, आप सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया करें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ना तो आपको रिज़ल्ट कितना मिलते हैं, नेक्स्ट को कितना मिलता है वो फिर आप बताएं। क्योंकि कभी भी चीज़, कभी भी गाइडलाइन, कभी भी कोई चीज़ सेल आउट करनी हो तो हमेशा गलत नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इससे ये होता है कि अगले का ही फ़ायदा हो, आपको दुआएँ मिले ना कि आपको बददुआएँ मिले। सो मैं पहले आपको वेदर चेक करवाती हूँ। वेट, वेल ये देखिए इतना प्यारा वेदर हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की अजान भी स्टार्ट हो चुकी है। सो अजान खामोशी सुननी चाहिए, हम सुनते हैं और फिर हम मिलते हैं। इतने अच्छे मौसम में एक कप चाय लाजमी पिया करें। वेल, मैं खामोशी से कुछ चाय अपने कंप्लीट करके फिर आप लोगों से। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अजान जो हो चुकी है और मैं नीचे जाके मैं नमाज अदा करूँगी। तो मैंने सोचा था आज लंबी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं निकल पाया और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। अच्छा, मैंने आपसे लोगों से जो टिप शेयर करनी थी वो करनी थी हेयर फॉल्स की। जैसे आपको पता है कि हमारी जो वेदर चल रहा है, कभी बारिश का हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा मीन्स के टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको अगर दोपहर में भी नहाए तो फुल टैंकी में गर्म पानी आ रहा होता है। तो हम लोग ये गलतियाँ करते हैं कि हम अपना सर उसी गर्म पानी से वॉश कर लेते हैं। तो हमने मैं आपको 5 टिप्स बताती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हेयर फॉल्स पहले बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था कि मैं इवन के कॉम्ब भी नहीं करती थी तो मेरे बालों में ऐसे हाथ पेरती थी तो मेरे बाल ऐसे आते थे। और मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का हुआ है कि एक आपकी आपकी स्किन और आपके हेयर दोनों चीज़ें आपके अगर अच्छी हो ना तो आपकी खूबसूरती में भी इजाफा आता है, और आपको मीन्स की फ़ख्र होता है कि मेरे पास इतने लंबे। यार आप लोगों को दिल नहीं करता कि किसी के लॉन्ग हेयर बार देखिए, काश हमारे भी हो। तो यार काश होने क्या, आप लोगों चीज़ अप्लाई करें। 5 टिप दे रही हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ। सबसे पहले आपने नहाने से 2 घंटे पहले हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क में आपने यूज़ करना है, माइनीस यूज़ नहीं है तो आप एग ले लें, ठीक है। एग आपने पूरा लगाना है, सफ़ेदी जर्दी अलहदा अलहदा नहीं करनी। आपने सबसे पहले क्या करना है, हेयर मास्क रेडी करना है, उसमें आपने माइनीस ऐड करनी है। 1 टीस्पून आपने एलोवेरा जेल, उसके बाद विटामिन ए का कैप्सूल, और सरसों का तेल नहीं है तो जैतून का तेल यूज़ कर लें। मोस्टली हम अपने हेयर्स के ऑयल्स बदलते रहते हैं, हम अपने हेयर्स के लिए शैम्पूस बदलते रहते हैं, तो खुदाया हर बार शैम्पू यूज़ कीजिएगा और ऑयल भी हर बार यूज़ कीजिएगा जिसमें केमिकल
बिल्कुल भी ना। इन चीज़ों को मिक्सअप करके अपने बालों में अच्छे से लगा लें, रूट्स में लगाएं, नीचे जो जड़ें आ जाती हैं जिनके मीन्स के बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, तो ये मास्क उनके बालों को बहुत फ़ायदा देने वाला। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने करना है, उसके बाद आपने 2 घंटे इसको लगा रहने देना है। उसमें आपने ना कैप लेनी है, ना स्टीम लेनी, ना टावल बांधना है, आपने जस्ट हेयर कैश लगा के अपने 2 घंटे जो अपने काम करने वो कर लें। दूसरी बात, आपने जब अपने शावर लेना है तो शावर के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते हैं यार, जब आपके बाल गीले होते हैं ना तो वो रूट से कमज़ोर होते हैं, आप जब ये चीज़ करते हो ना तो इससे ये होता है कि आप लोगों के बाल और डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जो नोट करते होंगे, जब आप शावर लेते हैं तो आपके बाल पाँव में भी आ रहे होते हैं, तो यार आप लोग सोच रहे कहाँ से आ रहे होते हैं, ये आपके बाल झड़ रहे होते हैं। तो शैम्पू नॉर्मली किया करें, हाथ सॉफ्ट रखा करें अपने, जैसे हम फेशियल करते हैं उसके लिए हाथ सॉफ्ट रखते हैं ना, इसी तरह हम बालों को लिए भी हर चीज़ हर तरह के लिए सॉफ्टनेस रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरी टिप क्या करनी, नहाने के बाद हम लोग मोस्टली टावल लपेटते हैं। टावल लपेटने से ये कहता है, कुछ लोग इतना टाइट कर देते हैं कि वो पीछे से यूं कर देते हैं उसके अंदर, और उसको तकरीबन घंटा आधा घंटा 2-3 घंटे में लोगों को देखती हूँ कि वो लोग उसमें फिर रहे होते हैं और उनके बाल यहाँ से खिंचाव पड़ रहा होता है, जिससे खिंचाव से ये होता है कि आपके बाल रूट से कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप उसको खोलते हैं तो वो ऑलरेडी इतने कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग जब उसमें कॉम करते हैं तो और बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी इस जगह से और इस जगह से गंचपन आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें टेंशन पड़ जाती है यार ये हमारे बाल हो क्या रहे हैं। तो कुछ गलतियाँ हम लोग भी करते हैं, मान लिया मैंने ही माने, आपने ही माने। 4 चीज़ ये करनी है, नहाने के बाद आपने टावल ज़्यादा देर लपेटना नहीं है, जैसे ड्राई हो जाए, हाफ ड्राई हाफ गीले हो जाए, उसके बाद आपने तेल लेना है। तेल नहीं ले, आप मोस्टली तेल कुछ लोगों को सूट करता कुछ नहीं करता, लेकिन मैं ये चीज़ खुद अप्लाई करती हूँ और तेल लगाने से मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह भरते हैं, कभी कम नहीं हुए, ठीक है। तेल नहीं यूज़ करना तो आप हेयर सीरम ले लें, नहाने के बाद गीले बालों में हेयर सीरम लगा के उसको छोड़ दें, ना उसको कॉम करें ना कुछ करें, आप जैसे उसको हेयर सीरम लगा कर उसको फोल्ड भी नहीं करना, उसको छोड़ देना है आपने। 4 टिप डन। 5वीं टिप ये है कि हम लोग मोस्टली गीले बालों में कॉम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको लपेट कर हम लोग जूड़ा बना लेते हैं, और उससे ये होता है कि हम लोगों के बाल जब गीले रह जाते हैं और वो यहाँ से सूख जाते हैं अंदरूनी से नहीं सूखते, और जिससे हम लोग रात को अक्सर हम एसी में खोल के लेटे तो हमें ज़ुकाम फ्लू हो जाता है, और इससे भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो अगर आप लोगों ने हेयर अपने अच्छे बनाने हैं तो मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये जो रेमेडी का मार्क्स है मैं अपने हेयर्स में या किसी और के हेयर्स में अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें करें, 5 चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं बताई, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनफैक्ट अभी आप लोग 5 चीज़ें करें, इंशाल्लाह ताला आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि आपके स्किन के और हेयर्स के लिए भी है कि आप जब सोने लगे तो अपने बालों में ना ज़्यादा से ज़्यादा खुश जैसे बाल हो जाते हैं। तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या वैसे ही बैठे, आप उसको कॉम करते रहें, और मोस्टली ये किया गया कॉम करते करते बालों को खुला करके ही सो रहे, क्योंकि एक चीज़ बंधी हुई है सारे दिन के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे बालों को भी थोड़ा आज़ादी चाहिए होती है, जैसे पाकिस्तान की आवाम को आज़ादी चाहिए होती है, इसी तरह हमारे बालों को भी आज़ादी चाहिए होती है। तो हम लोगों को उसको खोल देना चाहिए, अच्छे से कॉम करके स्ट्रेट करके मींस की करके उसको हम खोल दें। तो इसमें यह है कि हम जब सुबह उठेंगे ना तो हमारे चेज ऑलरेडी उसमें कर्ल्स नहीं पड़ेंगे, उसमें रूखापन नहीं आएगा, उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, उसमें कॉम करते करते आकड़ी नहीं आएंगी। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि जैसे कि हमारे सिंध और बलूचिस्तान कहीं कहीं इलाकों में इतना ज़्यादा सैलाब है, इतना ज़्यादा है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग प्लीज़ उनकी मदद कीजिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा, मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताक पर रहम करे और बारिशें बंद कर दे, ताकि इनके लिए बहुत घर तबाह हो गए, बहुत ख़ानदान बिछड़ गए, ख़ानदान के अफराद मर गए, और समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला हमसे क्यों नाराज़ है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, उन पर रहम फरमाए जो कई कई मुश्किलात में पड़े हुए हैं, उनके लिए सोने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उन पर रहम करे और
हो सके आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी मदद उनकी मदद करना चाहते हो, तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। आज की वीडियो इतनी ही थी टिप्स के हवाले से, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अप्लाई कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 5 टिप्स अपने में अप्लाई की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट 100% मिला। तो क्यों ना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर किया जाऊँ, क्योंकि हमेशा चीज़ वो शेयर किया करो जो आप खुद अप्लाई करते हो, और हमेशा अच्छी चीज़ शेयर करो ना कि बुरी। नेक्स्ट पर्सन को भी लगेगा यार ये पता नहीं हमें क्या बता रहा है इसने, जो असर ही नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, इसका रिज़ल्ट देखती हूँ, देन 1 वीक या 1 मंथ इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो इसके साथ साथ मेरी वीडियो का यही होता है, क्योंकि आज क्या बनाना है, आज पता नहीं क्या बनाने को समझ नहीं आना, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी इस वजह से, क्योंकि अब मगरिब का टाइम भी जाया जा रहा है और शाम हो चुकी है। ये देखें शाम के अंधेरा होने वाला है, तो मगरिब का टाइम बहुत कम होता है। सो हम नमाज अदा करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं टिप्स आप लोगों के लाती हूँ, वीडियो आप लोगों के लाती हूँ जिसमें मुझे कमेंट कोई रिसीव नहीं होता, तो बहुत बुरी बात है। तो सब्सक्राइब के बटन में ठोक दो, दिमाग ही ठोक हो जाओ, ठोक ही दो, इतना सब्सक्राइब करो कि मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएँ निकले। सो ईमान फातिमा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में टिप्स लेकर आऊँगी अपने फेस के अकॉर्डिंग, के उसके मैं क्या यूज़ करती हूँ, डे में क्या यूज़ करती हूँ, नाइट में क्या यूज़ करती हूँ, वो सब चीज़ें आप लोगों से जरूर शेयर। इसके साथ साथ ईमान फातिमा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा जो मुश्किलों में है। अल्लाह पाक सब पे करम करे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब राज़ी हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। सो दुआ में याद रखिएगा, तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक ईमान फातिमा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा कि नहीं जाते थे आप लोगों को शाम का मंजर भी दिखाते जाऊँ, बहुत प्यारा हुआ माशाल्लाह से।